दीक्षित टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों आज हम आए हुए हैं पायनियर कॉन्वेंट स्कूल में। यहाँ होने जा रहा है एक बहुत ही जबरदस्त फंक्शन जो है स्पोर्ट्स डे, स्पोर्ट्स मीट यहाँ पर होने जा रही है जो बच्चों के लिए, और एक खास चीज मुझे सुनने को आई, बच्चों के साथ साथ यहाँ पर पेरेंट्स के लिए भी हर तरह की रेस, हर तरह की गेम रखी गई है और प्रोग्राम बहुत ही भव्य होने वाला है। हम पूरा मजा करने वाले हैं इस वीडियो में और आपको दिखाने वाले हैं शुरू से लेकर अंत तक का पूरे प्रोग्राम का, आपको पूरा का पूरा टेलीकास्ट दिखाएंगे। जुड़े रहिए दीक्षित टीवी के साथ में, और अगर अभी आप तक अभी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास साथ साथ पहुंच जाए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी इस वीडियो का आनंद ले सके। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम। संबंधित वाहनों का एक हिस्सा है तो उन सबको जागरूक करने के लिए पूरे देश में यह अभियान चलाया जा रहा है। आज ठीक 11 बजे हर जगह पर सड़कों की सुरक्षा के लिए ओथ सेरेमनी का आयोजन किया गया, शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। मैं शपथ लेता हूं कि सड़क पर वाहन चलाने से पहले संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। यातायात का हमेशा खुद और अपने परिजनों से पालन करवाऊंगा। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करूंगा। कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाऊंगा। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को
में पीड़ितों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जय हिंद। जितने बच्चों ने स्टेट लेवल पर कोई भी पोजीशन लिया है उनको 1100 रुपए का नगद इनाम सभी बच्चों को मैं अपनी ओर से दे रहा हूं। और जिस बच्चे का स्टेट लेवल में क्रिकेट में सिलेक्शन हुआ उस बच्चे के लिए स्पेशल 2100 रुपए का इनाम मैं अपनी ओर से घोषित करता हूं। उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई।
नमस्कार सर। नमस्कार, दीक्षित टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज यहाँ पाइनियर स्कूल में जो स्पोर्ट्स डे हुआ, इसमें पेरेंट्स के लिए खास तौर पे रखी गई थी कुछ गेम्स, जी आपने पार्टिसिपेट किया उसमें? जरूर करा जी। तो कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा जी, बचपन की यादें ताजा होगी। और ये बार बार यानी कि मंथली में दो बार ही होनी चाहिए कम से कम। इतना मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया और बचपन की यादें सारी ताजा होगी, यानी कि बचपन के दिन दोबारा याद आ गए। आपने कौन सी गेम में पार्टिसिपेट किया? मैं 100 मीटर में फर्स्ट आया हूँ मैं और 3 लैक में सेकंड आया। बहुत बहुत बधाई सर। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया माहौल था, देखने लायक उत्सव था और रंगारंग बच्चों का उत्साह, टीचरों का, पेरेंट्स का, बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। और आशा करता हूँ ऐसे ही खेल होते रहें और हमारा जो नौजवान पीढ़ी है इसको देख के आगे बढ़े। धन्यवाद सर। नमस्कार, दीक्षित टीवी में आपका स्वागत है। सर जो आज पाइनियर में ये स्पोर्ट्स डे मनाया गया है, तो ये जो स्पेशली पेरेंट्स के लिए जो गेम्स रखी गई उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत मजा आया जी खेल के, गेम को बड़े दिनों बाद बच्चों की याद आई है। आपने भी खेली गेम? हाँ जी। कौन सी गेम में पार्टिसिपेट किया? 100 मीटर और कॉइन रेस। मजा आया पूरा, फुल एंजॉय किया। हाँ जी, बचपन की यादें ताजा हुई। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी, दीक्षित टीवी में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप पाइनियर स्कूल में आए जी सर। और स्पोर्ट्स डे एंजॉय किया आपने, स्पेशली पेरेंट्स के लिए जो गेम्स रखी हुई थी जी, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट किया सर? हाँ सर, किया सर। तो कैसा अनुभव रहा सर? बहुत बढ़िया सर, एकदम। इससे क्या है, बच्चों में खेलों की भावना उत्पन्न होती है और आने वाले भविष्य बच्चे देख के ही सीखते हैं बच्चे, तो इसलिए बहुत ही बढ़िया रहा सर आज का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर निशांत निर्मोही जी, इनसे जानते हैं। और ये जो प्रोग्राम आज था पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया गया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका स्कूल में पधारने पर हार्दिक स्वागत। आज स्कूल में हमने एथलेटिक मीट का आयोजन किया था, जिसमें आज का जो पहला दिन था एथलेटिक मीट का, उसमें नर्सरी क्लास से लेकर 4th क्लास तक के सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें ऐसा नहीं था कि कुछ ने पार्टिसिपेट किया और कुछ रह गए, सभी बच्चों के लिए ये कंपलसरी था कि उन्हें किसी ना किसी रेस में या किसी ना किसी एक्टिविटी में उनको पार्टिसिपेट करना था। इसका मेन उद्देश्य क्या था सर? मेन उद्देश्य आज के टाइम में बच्चों को थोड़ा फिजिकली फिट रहना चाहिए, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, और उसके लिए अगर हम स्कूल में ही अगर खेलों को अच्छा प्रोत्साहन देंगे बच्चों को, तो ही उनके अंदर ऐसी भावना आएगी। और खेलों में तो वैसे ही आज हरियाणा वैसे ही आगे रहा है, तो इसी उद्देश्य को लेकर स्कूल में आज एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग तरह की रेसेस, लेमन रेस, टग ऑफ वॉर और 100 मीटर रेस और बहुत सारी एक्टिविटीज का आयोजन किया गया। इसमें सर एक जो सबसे अच्छी चीज लगी मुझे आज, एक अलग चीज अलग अनुभव मिला मुझे, आपने स्पेशली अभिभावकों के लिए जो पेरेंट्स के लिए जो आपने ये रेसेस रखी हुई थी, ये किस तरह से आपका विचार बना कि ये अभिभावकों को भी इस चीज में शामिल किया जाए? बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसे कि हमने पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया, तो जैसे हमारा स्टार्टिंग से ही ये उद्देश्य रहा है कि हम कुछ अलग ही करने की सोचते हैं कि कुछ डिफरेंट किया जाए, तो इसी कड़ी को बढ़ाते हुए हमने पेरेंट्स को इस बार इन्वाइट किया अपने इस एथलेटिक मीट में, और बड़ा पेरेंट्स ने बहुत ही अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया, अपने बच्चों के साथ रिहर्सल भी की 2 दिन पहले, 2 दिन से कंटिन्यूअस पेरेंट्स आ रहे हैं, वो रिहर्सल भी कर रहे हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ में उन्होंने अपने बच्चों के साथ भाग लिया, और बच्चों को भी बहुत ही क्रेज़ था इसका कि पापा या मम्मी हमारे साथ इस रेस में है, आप इस गेम में हमारे साथ भाग लेना। और आज जैसे कि मैंने उत्साह देखा पेरेंट्स के अंदर, वो भी बहुत ही खुश थे, और उन्होंने एक पेरेंट ने तो मुझे बताया कि बचपन याद दिलाया आपने, और इससे बॉन्डिंग भी बढ़ी है पेरेंट्स की और बच्चों की, आपस में बॉन्डिंग भी इससे मतलब काफी। मैंने देखा सर फंक्शन में, आप खुद भी बच्चे बने हुए थे, बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। बिल्कुल, बच्चों के साथ तो फिर अपने दिन भी याद आते हैं और बच्चे भी उत्साहित होते हैं इन चीजों से। बहुत बढ़िया फंक्शन रहा सर, और स्पोर्ट्स डे के सफल आयोजन की पूरे पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल को बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये थे हमारे साथ पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर निशांत निर्मोही जी, और जो ये प्रोग्राम हुआ दोस्तों वाकई में बड़ा ही जबरदस्त प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम का जो आयोजन किया गया, वेल मेंटेन प्रोग्राम हम इसको कहेंगे, शुरू से लेके अंत तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि प्रोग्राम बोर कर रहा है।
पूरा मजा आया इस प्रोग्राम में, चाहे बच्चे थे चाहे अभिभावक थे, पेरेंट्स सब ने पूरा एंजॉय किया। हर किसी के लिए गेम थी, रिफ्रेशमेंट थी और जबरदस्त प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम की पूरी झलकियां आपको हमारे इस चीज चैनल पर दीक्षित टीवी पर पूरी झलकियां आपको दिखाई जा रही हैं। और एक साथ में आपको एक गुड न्यूज और दे रहा हूं मैं, दीक्षित टीवी पर अब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जो जीता वही सिकंदर। ये गेम शो रहेगा दोस्तों, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपके बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बच्चों के लिए हम स्पेशली स्कूल में ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और इसके अलावा जो संडे को पार्क वगैरह में हो गया और ओपन मार्केट में भी हम ये प्रोग्राम करेंगे। और इस प्रोग्राम की पूरी जानकारी के लिए और हमारी वीडियो लगातार देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।